हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट दुनिया। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर, ये मेरे हाथ के अंदर आप देख सकते हैं, ये पेपर है। इन पेपर पे 1 किलोमीटर लंबी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये मेरे हाथ के अंदर आप देख सकते हैं इरेजर है। इन इरेजर से हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। जो कितने इरेजर है वो 1 किलोमीटर लंबी लाइन को मिटा सकते हैं। ये रही मेरे हाथ के अंदर नटराज का पूरा पैकिंग है और इसको खोलते हैं और यहाँ पे इस पेपर के ऊपर करने वाले लाइन को ड्रॉ, देखते हैं कि जो इरेजर है वो कितना, मतलब 1 किलोमीटर लंबी लाइन को कितने इरेजर मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पैकिंग को खोलता हूँ, देखते हैं अंदर इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले ये समुद्र आता है और इसके अंदर एक ये इरेजर दिया हुआ है, इसके साथ ही आता है और यहाँ पे इसके अंदर पेंसिल है। तो हम पेंसिल को छीलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, एक सबसे पहले हम इसके अंदर से निकालते हैं एक पेंसिल और उसको छीलते हैं और उसके बाद में आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसको मैं यहाँ से छीन लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे पूरा छीन लिया है और इसको हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पूरा पेज है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके यहाँ पे हम बिना नाप से किसी लंबी चीज़ से यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, हम एक एक पेज लेके यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं। लगभग ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ हमारे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो इसके लिए हम इस नटराज के यहाँ बॉक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको लाइन को खींच लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि 100 मीटर लंबी लाइन को यह मिटाने में कितना इरेजर ख़त्म होता है, उसी हिसाब से आगे देखते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पे इन लाइन पे यहाँ पे 10-12 पेज है, इसके अंदर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिया है और ये लगभग 20 मीटर के आसपास हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक किलोमीटर लंबा लाइन खींचना संभव हो नहीं सका। इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर 20 मीटर लंबी लाइन खींची है और उसको मिटाने के अंदर देखते हैं कि जो ये हमारा इरेजर है वो कितना खत्म होगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 1 किलोमीटर लंबी लाइन है उसको मिटाने के अंदर कितना इरेजर वो खत्म होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी लाइन खींचना यहाँ पे हमारे पास संभव हो नहीं सका। यहाँ पे पूरा इसके अंदर पेज को यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको मिटाना करते हैं, इसको स्टार्ट।
फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा लाइन है जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था इनको सभी को मिटा लिया है। देख लीजिए ये पूरा रबर है जो मेरे हाथ के अंदर ये इतना सा बचा है और यहाँ पर पूरा रबर का यहाँ पे इतना लगभग ये 20 मीटर के आसपास था कि आप देख लीजिए ये 20 मीटर है। इसको मिटाने में ये लगभग इतना सा जो इतना रबड़ है वो खर्च हुआ है तो आप देख लीजिए कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन मिटाने में कितने रबड़ खत्म होंगे। उस हिसाब से देख लीजिए लगभग आधा रबड़ आसपास यहाँ पर चला गया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे क्या है कि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको वीडियो जो है